भाई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे फ्रेंड्स। चलो इसको हम दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स। सो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रात को भिगो के रख लिया था। इसको आठ से दस घंटे के लिए पहले इसको धो के फिर इसको मैंने पीने वाले पानी में भिगो लिया था। ये फूल गया एकदम अच्छे से। ये चीटी वाला राजमा है, आप कोई भी राजमा ऐसे भिगो के बनाना फ्रेंड्स। तो मैंने इसको भिगो लिया था और इसको हम कुकर में डाल देंगे और इसको बनने के लिए हम छोड़ देंगे। इसमें खड़े मसाले डाल के फ्रेंड्स, तो इसमें डालने के लिए खड़े मसाले मैंने रखा है फ्रेंड्स। देखिए मैंने तेज पत्ता रखा है और इसको हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता को। इलायची रखी है फ्रेंड्स, देखिए इलायची भी इसमें, काली मिर्च और इलायची डाल देंगे इसमें। मैंने दो हरी इलायची रखी है, दो काली इलायची रखी है बड़ी वाली, दालचीनी का लकड़ी रखा फ्रेंड्स, इसको भी डाल देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको हम उबाल। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको हम उबाल लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स गैस को ऑन करके और इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। और इसमें जब इसमें उबाल आ जाएगी तो इसमें हम सोडा डालेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद इसका ढक्कन हम बंद करके इसको दो से तीन सीटी आने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम धीमा कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ गई है और इसमें हम सोडा डाल देंगे एकदम। इसमें एक चम्मच का चौथाई भाग मैंने सोडा डाला, इससे बहुत जल्दी पक जाता है ये। और इसको एक सीटी लगने के बाद इसको हम धीमा कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसे हम चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने बंद कर दिया ढक्कन को और इसको हम एक सीटी आने के बाद धीमा करेंगे। इसको हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। जब एक सीटी आ जाएगी तो इसको हम लो टू मीडियम करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जब तक हमारा राजमा पक रहा है जब तक हम आपको दिखा देते हैं। मैंने प्याज को दरदरा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, ये छोटे छोटे पीसेस में है और ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, इसको हल्का दरदरा ही रखा है मैंने। और टमाटर मैंने 4 मीडियम साइज का लिया है, 3 मैंने प्याज लिया था फ्रेंड्स। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रख लिया है और इसको भी मैंने दरदरा ही पीसा है। इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया फ्रेंड्स। मैंने 3 से 4 इलायची रखा है और 4 से 5 मैंने काली मिर्च रखा फ्रेंड्स। जीरा मैंने रखा है तड़का के लिए और घर के मसाले से आज बनाएंगे फ्रेंड्स। तो फिर हम आपको बनाते समय दिखाएंगे, जब तक ये हमारा पक रहा है जब तक हम सारा रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको 2 सीटी आने के बाद मैंने इसको धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाया है। गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम तड़का लगाएंगे। मैंने गैस को ऑफ कर दिया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा हो गया है। मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें जो मैंने लौंग और इलायची और काली मिर्च और लौंग रखा था उसको पहले हम डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा हो गया है, इसमें मिक्स करेंगे। इसे हाफ सिद्ध हो जाएगी, हल्की ब्राउन हो जाएगी। इसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से चलाएंगे 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। फ्लेम हाई टू मीडियम ही रखेंगे, लो नहीं रखेंगे, नहीं अच्छे से नहीं भूनेगा। हाई टू मीडियम रख के इसको हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले नहीं। अदरक और लहसुन प्याज अच्छे से हो गया है, इसमें हम टमाटर जो पीस करके रखा है हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर ये राजमा एकदम से पक चुका है, एकदम अच्छे से। ये देखिए एकदम अच्छे से, इसको ऐसे ही पकना चाहिए, एकदम से इसको फटना नहीं चाहिए। ये हल्का हल्का देखिए मस्का हुआ है,
ऐसे ही इसको उबालना चाहिए फ्रेंड्स। इसको उबालने में टोटल 20 से 22 मिनट लगा है। मैंने दो सीटी आने के बाद 15 मिनट के लिए मैंने इसको धीमी आंच पे रख दिया था फ्रेंड्स। और हमारा मसाला भी हो रहा है फ्रेंड्स, उसको अब हम दिखाते हैं। मसाला में टमाटर ऐड किया था, उसमें हम मसाला ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर ऐड कर दिया, इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला 1 चम्मच का चौथाई भाग, धनिया पाउडर 1 चम्मच बड़ा, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। अगर आपको ज़्यादा तीखा है आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाला था। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल ना दिखने लगे फ्रेंड्स। इसको हम चलाते हुए पकाते रहेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम थोड़ा कढ़ाई मसाला डालेंगे, जो कढ़ाई पनीर, शाही पनीर पनीर में पड़ता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको मैंने घर में बनाया था फ्रेंड्स, और इसको बनाना बहुत आसान है। और सब अच्छे से मिक्स कर जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से स्मेल आनी शुरू हो गई है, और इसमें हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू हो गया है। देखिए इसको हम ऐसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम राजमा ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तेल रखना शुरू हो गया, ये अच्छे से भून गया है। इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए भूना है, और एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है ये। इसमें अब हम राजमा को डाल देंगे, जो हमने उबाल के रखा है। ये सारे खड़े मसाले इसमें से फेंक देंगे फ्रेंड्स निकाल के। उसके बाद इसमें हम राजमा ऐड करेंगे। खड़े मसाले फेंक दें फ्रेंड्स, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी नहीं है, अगर आप ज़्यादा पानी के साथ डालेंगे तो इसको आप फिल्टर करके डालेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं था तो हम इसको ऐसे ही डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमें पानी कम लगेगा, आपको जिसके साथ खाना है पराठा रोटी, तो फिर लच्छा पराठा जिसके साथ खाना, अगर आपको पराठा रोटी के साथ खाना है, लच्छे पराठे के साथ खाना है, तो इतना ही गाढ़ा सही है। अगर आपको राइस के साथ खाना है तो इसको थोड़ा पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हम राइस के साथ खाएंगे, इसलिए इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिस जार में मैंने टमाटो पीसा था उसी को धो के मैंने इस पर ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। एक उबाल आने के बाद इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसमें धनिया गार्निश करके इसको ऑफ कर देंगे। इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। मैंने इसमें 1/2 चम्मच डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स करके उबालेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, और इसको हम 10 मिनट के लिए धीमा कर देंगे ताकि अच्छे से पक जाए, और इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए फ्रेंड्स। तो इसे हम 10 मिनट के लिए धीमा आंच पे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, राजमा एकदम अच्छे से पक चुका है, और इसको मैंने 10 मिनट धीमी आंच पे पकाया था फ्रेंड्स। और इसको हम धनिया गार्निश करके फ्लेम को ऑफ करके इसे हम प्लेट में सर्व करके दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने धनिया गार्निश कर दिया है, और इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, प्लेट में सर्व करके दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इतना टेस्टी और इतना देखने में इसका डिलीशियस लुक दिख रहा है राजमा का, और एकदम बाज़ार जैसे बनाया, इतना टेस्टी और इतना हेल्दी राजमा मैंने बाज़ार जैसा घर में ही बनाया है, और घर के मसालों से ही बनाया है फ्रेंड्स। देखिए आपको इसको बनाना कितना आसान है, और आप घर के मसालों से इस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत ईजी है। और इसको आप नान, चपाती और रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत अच्छा लगता है, राइस के भी साथ अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मैंने जीरा राइस बनाया है, और इसके साथ राजमा बहुत अच्छा लगता है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करना। प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।